जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारे, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय जय गोवर धनधारी, जय जय गोवर धनधारी, जय राधा माधव कुंज विहारे, जमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, वृंदावन मेरा सरचावे, वृंदावन मेरा सरचावे, बजाई मधुर मुरली, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत
गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नितय गौरांग 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 जय नितय गौरांग नितय गौरांग जय नितय गौरांग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौरहरि जय सचिनंदन गौरहरि गौर गौर गौरहरि गौर गौर गौरहरि विष्णु प्रियार प्राणधन नदिया बिहारी विष्णु प्रियार प्राणधन नदिया बिहारी सची मातार प्राणधन नदिया बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमान परम पूज्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गो श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। हो श्री श्री राधा पार्थ सारथि भगवान की जय। हो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। समवेत श्रुता भक्त वृंद की जय। हो चैतन्य चरितामृत की जय। हो श्रीवास पंडित की तिरुभाव तिथि के जय। हो All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory, all glory, Sri Guru and Gauranga. Hari, Hari, Hari Om. अखंडानंद कंदाय नित्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नमस्ते कृपा पूर्ण दृष्टि नमस्ते नमस्ते महानंद धात्री नमो नमो पूर्णरक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभु पहम दक्ष दक्ष भक्ते सिद्धांत दंताय अस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न मीलितं येन श्री गुरवे नमः। आराध्यो व्रजे सतनय तद्धाम वृंदा काचिद् उपासन व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पूमार्थान् श्री महाप्रभुराग्रहो नापरः अनर्पित चरिम चीरात करुणयावतीर्ण कलौ जल पदुपति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीलामय विग्रहाय हे माभ दिव्य छवि सुंदराय त
तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों का तथा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन दिल्ली के परम वैष्णव तथा वैष्णव गणों के चरण कमल में नरसिंह चैतन्य दास का भूमिष्ठ प्रणाम। आज श्रीवास पंडित भाव तिथि है। जब ही वैष्णव का आविर्भाव और वैष्णव गणों का तिरोभाव तिथि, तिरोभाव तिथि में सभी शोकाकुल हो जाते हैं और आविर्व्यक्ति को प्राप्त काश मन में उनके गुणगान करते हैं। किंतु जब वैष्णव की बात आए तो वैष्णव की तिरोभाव तिथि और आविर्भाव तिथि दोनों ही प्रसंग भगवान आदित्य पुराण में कहते हैं, मद भक्तो बल्लव यश्य समे बल्लवतांग मम मत्परो बल्लव नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। यदि कोई मेरे सेवा करे, मेरे गुणगान करे, मेरे नाम का संकीर्तन करे, मैं जितना प्रसन्न होता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों का गुणगान करे, मेरे भक्तों की सेवा करे, मेरे सेवा से भक्त की सेवा जो करता है उससे अतीव प्रसन्न होता हूं। भक्तों की जीवन में बड़े बड़े लीला आप थोड़ा मैं पाठ करूंगा, चैतन्य चरितामृत में श्रीनिवास पंडित का जीवन चरित्र में सुंदर सुंदर लीलाएं वर्ष पहले हैं, ताकि जब हम उस लीला में क्या है, आप सभी व्यक्ति जो भी हमारे प्रभुपाद जी के ये सोसाइटी फॉर क्राइस्ट से संबंध रखे हुए हो, आप सभी बड़े भाग्यवान हो। ऐसा सोसाइटी कलयुग में कहां मिलता है। आप बड़े बड़े मंदिर में जाओ, कुछ लोगों को मंदिर के अंदर आना ही मना है, आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इस वर्ण से बिलोंग करते हो, उस जात से बिलोंग करते हो, विभिन्न प्रकार की बातें भगवान के दर्शन के लिए भी। मुझे स्मरण है जब लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी पदयात्रा कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, उस समय गौर गोविंद महाराज थे, मैं भी था, और हमारे एक ओडिशा के सन्यासी जो मायापुरी में अभी आचार्य पाद के डिसाइपल है
वो भी थे। तो बात चली जे जगन्नाथ जी के मंदिर में भक्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं प्रथम व्यक्ति था उड़िया में लेक्चर दिया और मैंने कहा, उस दिन हाई स्कूल के प्रांगण में था, मैंने कहा जगन्नाथ जी की जो टाइटल है वो जगतनाथ जस्य सह जगन्नाथ, जो जगत के नाथ है वो जगन्नाथ है। तो यदि जगत के लोग ठाकुर जी के दर्शन से वंचित रहे तो उसकी टाइटल को चेंज करके करो उड़िया उड़ीसा नाथ, तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा। अगर उठे तो मैंने एक श्लोक भागवत से भी पढ़ा था, अहोवत्त शोपचतोत गरियान यत जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पस्तु पस्ते जुसस्नुरार्जा ब्रह्मा नुचुरु नाम गृणवंत्येते। संक्षोपाख्यान में तृतीय स्कंद भागवतियान। यदि कोई व्यक्ति और वो कृष्ण भजन में लगे, भगवत नाम का उच्चारण करे, तो वो सभी बड़े बड़े यज्ञों को समाप्त कर चुका है और वो शिव ब्रह्मादि देवताओं से भी बढ़कर के है। तो क्यों हमारे भक्तजनों का दर्शन बंद करते हो? विभिन्न प्रकार की बात आया, कुछ गालियां भी मुझे सुनना पड़ा। ठीक है, भगवान के भक्त लोग हैं वो, हमें कुछ कहना नहीं है, परंतु सत्य ये है यदि जगत के नाथ हरिदास ठाकुर जी को भी जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित करा, नीलचक्र बाना की ऊपर जो नीलचक्र है उससे वो जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। आज प्रभुपाद जी की कृपा तो ऐसी हुई, विश्व के हर कोने कोने में रथ यात्रा होता है और जगन्नाथ जी के दर्शन सभी करते हैं और सभी पापों से मुक्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं यस्तु, भगवान कहते हैं मद्भक्ता वल्लभोजस्य, जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है मैं उससे अतीव प्रेम करता हूं। पर ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्त, श्रीवास पंडित जैसे भक्त यदि किसी के घर में आ जाए, चैतन्य महाप्रभु उसके घर पधारे लीला करने के लिए, तो उसकी क्या होता है? ना गंगा पापम शशि तापम कल्पम दैनतरु तथा पापम तापम च दैनम च हरेत साधु समागमे। माता गंगा जी में हम स्नान करने जाते हैं हरिद्वार में, क्यों? प्रत्येक मानव का यह अभिलाष होता है मैं एक बार शुद्ध होके आ जाऊं, माता गंगा में डुबकी मार दूं। माता गंगा पतित पावन है। जब हम माता गंगा के चरण में जा करके प्रणाम करके अपने पैर को डालते हैं, गंगे देवी गन्नमात पादाभ्यं सलिलं तव पृष्यामि त्वपराधं मे प्रसन्ना क्षन्तु महर्षि प्रातः स्नान विना पुंस्य पापी त्वं कर्मसु श्रुतं होमे जपे विशेषेण तस्मन् स्नानं समाचरेत। तत्पश्चात भक्त अपनी जल में, गंगा जल में अपने पैर को डुबाता है प्रणाम करता हुआ। वो गंगा पाप को धोने में समर्थ है, किंतु वो एक काम कर सकती है, केवल पाप धो सकती है। गंगा पापम शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा है तो इनके जितने गर्मी है तेज है उसको शीतल बना देती है, ठंडक दे देती है, सारा समग्र धरती थोड़ा शीतलता को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्रमा गर्मी को छीन लेती है, हर लेते हैं, उनमें वो गुण है, किंतु वो केवल गर्मी को हर सकते हैं। तरु जो वांछा बट है, कल्प तरु है, उसके सामने हम जो भी वांछा करें, कल्पना करें, मांगे वो पूरा कर देते हैं, अर्थात हमारा दरिद्रता को दूर करने में समर्थ है। परंतु एक चीज करने में वो समर्थ है, दरिद्रता को दूर करना। किंतु पापम तापम चौदह नमच, पाप भी जाएगा
ताप भी जाएगा और दैनता भी जाएगा। हरेत साधु समागमे, यदि साधु की दर्शन हो जाए, भक्त की दर्शन हो जाए, तो पाप भी टल जाएगा, ताप भी जाएगा और दरिद्रता भी जाएगा। क्यों? न यस्तु माम भजते नित्यम वित्तं तस्यहराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम् अति दुखेन जीवति संतापे स्वेषु कौन्तेय यद्यत्यजेत् शोपदम् चापि देवानम् अपि दुर्लभम्। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद में बैठ करके, जबकि माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण प्रणाम क्या करते थे, किंतु माता कुंती जानती थी भगवान कौन है। एक दिन पूछ बैठी, हे ठाकुर जी, कृपा करके ये बता दो और कितना दुख देना है। जो भक्त कभी कभी अनुभव करता है ना, मैं बड़ा कष्ट पाता हूं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, देखो वो कष्ट नहीं है, वो केवल आपका परीक्षा है, केवल परीक्षा है। कुंती जवान श्री कृष्ण को, जे ठाकुर जी पांच बच्चे को लेकर तो जंगल जंगल भटक रही हूं मैं, और कितना कष्ट पाना है। तो भगवान कहते हैं कुंती, यस्तु माम भजते नित्यम वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम अति दुखेन जीवति। जब मैं किसी भक्त के प्रति वास्तव में अहितु की कृपा करता हूं, उसको छीन लेता हूं, मनुष्य के पास धन, तो धनं सर्व प्रयोजनम, और धन जब नहीं होता है क्या होता है, न माता निंदति अभिनिंदति पिता न संभा भृत्तानुगच्छति सुत जायानुसंतुष्यति तस्मात् अर्थ उपार्जन कुरु सके अर्थे न सर्वे वसाः। सारा संसार भूत है, जब अर्थ ना हो, जो जन्मदात्री मां है वो हमारी निंदा करती है, धिक्कार है तुझे, मैंने इतना बड़ा किया, आज तक भी तू कुछ नहीं किया। माता निंदती। मेरे भक्ति जीवन की शुरुआत मुंबई से हुई, मेरे प्रिय प्रभु महामंत्र प्रभु के साथ हम लोग एक साथ थे, उनको देखते ही सब स्मरण होता है, थैंक यू प्रभु जी। सो माता निंदती, जन्मदात्री मां निंदा करने लगती है, धिक्कार है तुझे। न अभिनिंदती पिता, पिता भी स्वागत करके आनंद से बाहू के नीचे नहीं लेते, वो भी धिक्कार करने लगते हैं, बेकार है तू। नाभिनिंदती पिता भ्राता न संभाषते, अपनी भाई भी मीठा बोलता नहीं है, अपनी पत्नी को बोलती है, देखो आया अभी पैसा मांगेगा, बोल देना मैं और कहीं हूं, घर में नहीं हूं, झूठ बोला है, अपनी जन मांगेगा। भ्राता न संभाषते भृत्य कुप्यति, घर का जो नौकर है बोलते सेठ जी पैसा नहीं दिया, वो देखो उसके घर में उसका नौकर को इतना पैसा मिलता है, अब मैं कल आऊंगा नहीं काम में, वो जवाब देने लगता है। नानुगच्छति सुत, जो अपनी पुत्र है वो अपनी इच्छा के विपरीत जाता है, सारा दिन पापा पापा करते रहता हूं, देखो उसका उसकी पिताजी ने उसको मोटरसाइकिल दिया कॉलेज जाने के लिए, तुम एक साइकिल भी नहीं दी मुझे, वो भी बोलने लगता है। नानुगच्छति सुत जाया अनुसंतुष्यति, जाया कहते पत्नी को, पत्नी भी बोलने लगी, इतना साल हो गया शादी को, एक हार एक साड़ी भी तूने मुझे अच्छा से मेरा मन लगे नहीं दिया, धिक्कार है तुझे। जायान संतुष्यति तस्मात अर्थ उपार्जन कर सके अर्थेन सर्वे वसाह, इसलिए अर्थ चाहिए क्योंकि सारा भौतिक जगत में जितने है ये सब अर्थ मंदी नहीं है। भगवान कहते हैं यस्तु माम भजते नित्यम, वो वित्त वो धन प्रभुपाद चला ही नहीं, भगवान कहते हो तू मेरे ओर आएगा, आज देखो प्रभुपाद जी ने, चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन जो चला चला ही दंग यह सौ जीवति। मंदिर के कोने कोने में हमारा सोसाइटी में सूर्यास्त नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी,
कृष्ण कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी देश में मंगल आरती में संसार दवानल गुजता है, हरे कृष्ण महामंत्र गुंजता है। क्या श्रील प्रभुपाद कितने बड़े महान है और हम कितने महान है जो उनके चरण में जुड़े हुए हैं। पहाड़ नहीं बन पाए तो क्या हुआ, पहाड़ की छाया में रह जाओ फिर भी हवा टल जाएगा क्योंकि पहाड़ में वो शक्ति है। हम अच्छे भक्त नहीं बन पाए तो क्या हुआ, केवल प्रभुपाद जी के नाम ले लो, उनके चरण में रहो, एक दिन ना एक दिन अच्छा भक्ता बन पाओगे क्योंकि प्रभुपाद महान है, अभय चरण है। सो यस्तु माम भजते नित्यम वित्तम तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम अति दुखे न जीवति। जब मनुष्य की धन के ऊपर भगवान प्रहार करे तो सभी बंधु बांधव सखा संबंधी अपने आप दूर हो जाते हैं, उनको दूर करने की आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के पास खाने के नहीं है तो फिर हमारा क्या करेगा, वो पहले दूर हो जाते हैं। अति दुखे न जीवति, वो बहुत कष्ट से अपना जीवन का निर्वाह करता है। संताप्ये स्वेषु कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत, इतने कष्ट सहने के पश्चात यदि वो भक्त मुझसे दूर नहीं जाता, मुझे नहीं त्याग देता, तो कुंती मैं उस भक्त को क्या करता हूं, ना ददामि स्वपदम चापी, मैं वो पद की अधिकारी बना देता हूं उस भक्त को, देवानाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े शिव ब्रह्मादि देवता भी तरसते रहते हैं, वो भक्त को मैं उस जगह पर पहुंचा देता हूं। परमंग पदम प्राप्त ये परमंग पदम, वो परम पद को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है, इसलिए भक्त महान है। तो आइए आज हम दो शब्द में श्री श्रीवास जीवन चरित्र हैं, जे चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी संबंध कैसे रहा और किस किस लीला के ऊपर गए, और बीच बीच में कुछ बातें और इसको हम अध्ययन करेंगे। श्रीवास पंडित आश्रयामी श्रो श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा शुक्लांबरधरं गौरं गौरभक्ति प्रदायकं। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाला गौरवर्ण श्री गौरांग भक्ति प्रदान करने वाले प्रधान पंडित श्री श्रीवास की मैं हर्षपूर्वक शरण ग्रहण करता हूं। श्री श्रीवास पंडित श्री चैतन्य शाखा में हैं। श्रीनिवास नाम से भी कहीं इनका उल्लेख आता है। पूर्वावतार में ये श्री नारद है, गौरवेश दीपिका 90। श्रीवास धीमा मुनि ही जी भट्ट निवासी वैदिक पंडित श्री जलधर के पुत्र थे। श्री जलधर श्री हट्ट से नवद्वीप आकर निवास श्रीवास विभाव श्री हट्ट में हुआ था। श्री नलीन श्री राम श्रीपति तथा श्रीकांत इनके भाई थे। श्रीवास पंडित तो पूर्वावतार में भक्ति के आचार्य श्री नारद है ही, इनमें स्वाभाविक कृष्ण भक्ति विद्यमान थी। नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका था। बाल्यकाल में प्रभु विशेषतः जब से पढ़ने लगे थे अति चंचल थे, अटकने छेड़छाड़ करते, विद्याध्ययन में अवश्य उनकी प्रखर बुद्धि थी। एक दिन श्रीनिवास, देखो विद्या सभी को पढ़ना चाहिए, विद्या के बिना जीवन अधूरा है। ब्राह्मणस्य धनम विद्या, ब्राह्मण वा वैष्णव वा प्रचारक, उनकी जो संपत्ति है, हमारे भक्तों का क्या संपत्ति है, कृष्ण
जिस घर में जाते हैं कृष्ण नाम को लेके जीते हैं, तो ब्राह्मणस्य धनम विद्या, ब्राह्मण का धन विद्या है, क्षत्रियों का धन केवल लड़ाई करना है, वो उसका धन है। वणिकायम रूपम वित्तम, वणिका गणिका कहते हैं जो शरीर बेचती है, उसका जो धन है अपना रूप है, क्योंकि रूप के माध्यम से ही वो अपना पेट पालती है। सर्वत्र चरित्र धनम, भक्त सभी जगह पर अपनी जीवन की जो चरित्र है वो सबसे महाधन है, इसलिए चरित्र को बनाए रखना। श्रीवास पंडित तो पूर्वावतार में भक्त के आचार्य श्री नारद ही इनमें स्वाभाविक कृष्ण भक्ति विद्यमान था। ओके, एक दिन श्री महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु मुख्य सड़क पर जा रहे थे, 5-7 छात्र भी साथ थे। प्रभु ने एकमात्र परिधान वस्त्र धारण कर रखा था, कंधे पर एक अंगूछा था, मानो पीताम्बर हो, पान चबा रहे थे। कोटि कोटि चंद्र के समान आपका श्रीमुख, विशाल और कांति युक्त अंग देखते ही ऐसा लगता था मूर्तिमान कामदेव आ रहा हो। मस्तक पर केसर का तिलक, बगल में एक पुस्तक दबा रखी थी उन्होंने। चारों तरफ हटिपात दृष्टिपात करते थे, भुजाओं की हिलाते हुए चल रहे थे, हाथ में छत्र भी स्वाभाविक चंचल। आपने देखा सामने श्रीवास पंडित आ रहे थे, श्रीवास जी ने उन्हें देखा और हंस दिए। श्री निमाई ने इन्हें नमस्कार किया, चिरंजीवी रहो, श्रीवास जी ने आशीर्वाद दिया। श्रीवास जी ने हंसकर कहा, कहो उद्धत शिरोमणि आज कहां पधार रहे हैं। उद्धत शिरोमणि, इसको एक व्यंगात्मक बात कहते हैं, हास्यास्पद में भी कुछ व्यंगात्मक बात होता है, हंसने में भी कुछ मतलब निकाला जा सकता है। एक है स्मित हासी, भगवान गौरांग महाप्रभु जब हंसते थे उसका तो वर्णन करना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो साक्षात जुगमा बता रहे श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जुगम रूप। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो गरुड़ स्तंभ के पास, कभी मैं गरुड़ और कभी क्लास दूंगा तो मैं गरुड़ की कथा सुनाऊंगा, गरुड़ स्तंभ की महिमा क्या है। और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन क्या करते थे, क्योंकि हृदय में राधा भाव था और स्वयं ही कृष्ण थे, पर जगन्नाथ श्री कृष्ण विग्रह है। जब राधा भाव लेकर के गौरंग महाप्रभु श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे तो उनको शुद्ध बुद्ध नहीं था, चैतन्य महाप्रभु भूल गए थे। वो यही सोच रहे थे जे प्रियतम मेरे वो गंभीरा में बैठे हुए हैं रत्न मंडप में, और उसी भाव को सोच करके वो निहार रहे थे। और जगन्नाथ महाप्रभु भी पूर्व दिनों की बात को सोच करके श्रीमती राधा भाव में हो करके गौरंग महाप्रभु को दर्शन कर रहे थे। एक चरित्र ऐसे था, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जब प्रिया को देख रहे थे और प्रिया प्रियतम को देख रही थी, वो जगन्नाथ भगवान की आंखें और पलक नहीं गिरा, अपलक नेत्र में देखते रह गए गौरंग महाप्रभु को। और गौरंग महाप्रभु भगवान
चैतन्य भगवान जगन्नाथ जी को निहारते रहे। तो गौरांग महाप्रभु ही साक्षात गोविंद हैं। जब वो हंसते हैं उनके हंसी की बराबर नहीं है, पर कुछ हंसी भी ऐसा है जिसको हम कहते हैं मंदहास, कटाक्ष की भी एक हंसी होती है। तो भगवान गौरांग महाप्रभु जो हंसे वो बड़े अच्छा था, क्योंकि जब श्रीवास पंडित को उन्होंने देखा वो बड़े आनंद से हंस पड़े, और गौरांग महाप्रभु श्रीवास पंडित जी भी उनका कहा ओ उद्धत, ये के कटाक्ष किंतु प्रेम पूर्वक। श्रीमान महाप्रभु हंसकर बोले हे पंडित जी, आपकी जब कृपा होगी तब कृष्ण भजन निश्चित होगा। सॉरी, रात दिन जाने का क्या पढ़ते पढ़ते करते हो, कृष्ण भजन के बिना कहां समय बिगाड़ रहे हो, रात दिन जाने क्या पढ़ते पढ़ते फिरते हो। श्रीवास जी भगवान गौरांग महाप्रभु को बोल रहे हैं। श्री निमाई चांद भी उनकी बात सुनकर हंस दिए। फिर पंडित जी ने कहा देख विश्वंभर, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम था विश्वंभर। विश्वंभर शब्द का अर्थ है जो सारा विश्व का भरण पोषण का दायित्व लिया हो, वो विश्वंभर है। देख विश्वंभर, मनुष्य किस लिए पढ़ता है, एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति जानने के लिए। तो यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त न हुई तो विद्या का क्या फल, इसलिए इस मूल्यवान समय को बेकार मत गवाओ। पढ़ लिए तुम बहुत, अब चंचलता छोड़ो, कृष्ण भजन में शीघ्र लग जाओ। चैतन्य महाप्रभु को उपदेश देते हुए श्रीवास पंडित बोलते हैं जो विद्या आज ईशांगन विद्या, न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। आज का मानव मनुष्य का दो पैर लेकर के, मनुष्य की शरीर को लेकर के पशु रूप में आचरण करता है। ऐशांग न विद्या, जिसमें विद्या ना हो। विद्या का अर्थ है आत्मा के बारे में जानना, पर जो विद्या की बात हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर इत्यादि, ये सभी शरीर तत्व से बिलंग करते हैं, इनका पहुंच केवल शरीर तत्व तक है, आत्म तत्व तक नहीं, इसलिए इसको शास्त्र ने अविद्या कहा। विद्या केवल कृष्ण भक्ति है। हाँ, और विद्या को पढ़ने वाले व्यक्ति बड़ा नम्र होता है। विद्या ददाति विनयात, जो विद्यार्थी है विद्या को ठीक से जानता है, कृष्ण भक्त है, वो नम्र बनता है। विद्या ददाति विनयात, विनयात याति पात्रता, और विनय से ही पात्रता का निर्णय होता है, अच्छा और बुरा का। विनयात याति पात्रता, पात्रत्वाम धनम आपनोति, जब पात्र हम ठीक बन जाए फिर हम धन कमाएं कोई बात नहीं, और धन कमाने के बाद फिर क्या होता है, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनम धर्म ततः सुखम। सुख पेड़ का फल नहीं है, तोड़ो खा लो सुखी हो गया, ये वर्णन है। विद्या ददाति विनयात, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनम धर्म, धन को उपार्जन करने के बाद धर्म में व्यतीत करना चाहिए, ना सब कुछ अपनी अपने लिए, अपनी इंद्रियों की सुख के लिए नहीं। धन कमाने के बाद हमारा जगन्नाथ दास भागवत कहता है धर्म अर्जिण धन अर्जिण धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि। जब मानव धन का उपार्जन करे उससे भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, और वो धन से ही वो नरहरि अर्थात भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ है। तो
चैतन्य महाप्रभु को उपदेश देते हुए श्रीवास पंडित जी भी यही कहते हैं। श्री महाप्रभु हंसकर बोले, हे पंडित जी, आपकी जब कृपा होगी तब कृष्ण भजन निश्चित होगा। इतना कहकर प्रभु आगे चल दिए। श्रीवास पंडित के आंगन में एक कनेर का पेड़ था, कनिहर। ये कनिहर फूल भी बड़ा विचित्र है, कभी ये पीला लाल होता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण जी का जब स्वरूप का वर्णन आता है दशम स्कंद में, ब्रहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीं च मालम रन्ध्रान वेणोर अधर सुधया पुरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर द्वैपायन मुनि व्यासदेव इस श्लोक का व्याख्या नहीं करते तो हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचानते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन है। ब्रहापीडम नटवर वपु, ब्रहापीडम अर्थात मस्तक के ऊपर, जिनके सर के ऊपर मयूर की पंख हो और जो त्रिभंगी में खड़े हो, वैजयंती माला जिनके गले पर हो। भक्त आत्म तो श्रीवास पंडित की कथा है, थोड़े बहुत पढ़े, पर ये वैजयंती कौन थी भक्तों को पता होना चाहिए। वैजयंती एंड कौस्तुभा, ये दोनों पति पत्नी है और ऐसी भक्ति किए भगवान को मजबूर होना पड़ा और अपने गले में उसको धारण कर लिए। वैजयंती जब छोटी थी, उनकी मां ने वैजयंती को एक लकड़ी का भगवान कृष्ण दिया था बचपन से, बोले ये कृष्ण से ही प्रेम कर और कृष्ण ही तुम्हें सब कुछ देंगे। और बाल्यकाल से ही वैजयंती उस भगवान की मूर्ति को अपनी हाथ में ले लेकर के नाचती थी, गाती थी और सब कुछ उन्हीं को अपनी सज्जा पर सुला करके सोती भी थी। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण से उसकी आसक्ति बाल्यकाल से रहा। जब वैजयंती बड़ी हुई तो पिता राजा, राजकन्या थी, तो राजा ने कहा जी अब मेरी कन्या का शादी होना चाहिए। तो राजा ने बड़े स्वयंवर बनाए। स्वयंवर उसे कहते हैं स्वयंवर, स्वयं की अपनी इच्छा से ही हम अपनी वर को चुने, वो स्वयंवर है। 100,000 राजा आए उस स्वयंवर सभा में। तो कन्या जब वरणमाला को लेकर के आई तो सभी राजा की गुणगान करना हो रहा था, ये राजा के पास ये है, ये राजा इतनी विद्वान है, इतनी पराक्रम है, इत्यादि इत्यादि। किंतु वैजयंती बोली, पिताजी मुझे इससे क्या लेना देना है, परंतु मैं वचन देती हूं पापा पिताजी, जो राजा इनमें से मेरे गोविंद को 7 पग आगे चला देगा उसी से मैं शादी करूंगी। अब राजाओं ने बोला, शादी हम करने आए हैं और ये हमको धोखा देती है, लकड़ी का मूर्ति कभी चला है क्या? सभी राजाओं ने मिलकर के बोला, पहले तुम्हारी कन्या को बुलाओ, वो चला के दिखाए इस मूर्ति को, फिर हम चलाएंगे। देखो भक्त, भगवान की मूर्ति को हम रोज पूजा करते हैं, पर जो अभक्त है वो मूर्ति में उनको विश्वास नहीं है, किंतु भक्त का विश्वास है। इसलिए 9 देव विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये
भावे ही विद्यते देव तस्मात भाव ही कारणम। क्या पत्थर के मूर्ति में भगवान है, क्या लकड़ी के मूर्ति में भगवान है, क्या मिट्टी के मूर्ति में भगवान है, क्या पीतल की मूर्ति में भगवान है? बोले नहीं है, वो तो पीतल है, पत्थर है, मिट्टी है, तो भगवान कहां है? ना भावे ही विद्यते देव, भगवान भाव से ही, भक्ति से ही प्रकट हो जाते हैं। जहां पर भक्त का भाव जुड़ जाए, हम मानते हैं ये गोविंद है, साक्षात हरि है, यही हमारे पार्थ सारथी है, तभी हमारे लिए वो पार्थ सारथी है, क्योंकि हमारा भाव उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। भावे ही विद्यते देव तस्मात भाव ही कारणम, तस्मात भाव ही कारणम। और वैजयंत की भाव उस लकड़ी के मूर्ति में मिला हुआ था, उसके लिए तो साक्षात गोविंद थे, तो वो भरी सभा में पुकारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एमिति तो आगे नाच करू करू, जाओ ये जीवन सरी। हे गोपाल, हे गोविंद, हे मुरारी, तुम्हारा नाम लेकर के मैं नाचती रहूं नाचती रहूं नाचती रहूं, ताकि सारा जीवन बीत जाए, फिर मैं गोविंद गोपाल हरि करके तुम्हारा सामने नाचती रहूं। केमिति नाचिले सुखी हेबु तू ही, कहरे मोते मुरारी। हे मुरदत्त को मारने वाले, संहार करने वाले हरि, मैं कैसे तुम्हारे सामने नाचूं ताकि तुम्हें आनंद की प्राप्त हो जाए? देखो भक्त, जब हम दोनों हाथ उठा करके भगवान के आरती में नाचते हैं, क्या आपको लगता है भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान खुश नहीं होते? भगवान यदि खुश ना होते तो आज तक वो खड़े क्यों हुए, तो बैठ जाते। भगवान को अतीब प्रसन्न होता है जब भक्त दोनों हाथ उठा करके, धै धै करके, उनके नाम लेकर के नाचे। कृष्ण कृष्णाय पद्म पुराण, कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति योमाम भज्यति नित्य सह, जलम भित्वा यथा पद्म नीरयत्याराम्यहम। भगवान वचन देते हैं, कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति, जो व्यक्ति इन नामों का उच्चारण करता हो, जब वो भवसागर में डूब जाए ना, उसकी शिखा को पकड़ करके मैं ऐसे गोलक में उठा लेता हूं जैसे पंख को भेद करके कमल की पुष्प वो समस्त पानी को, पानी के अंदर निकल करके ऊपर में खिल जाता है, ऐसे निकालता हूं। तो वैजयंती ऐसे पुकारी, तो वैजयंती जब पुकारी, केमिति नाचिले सुखी हेबु तुही, कहरे मते मुरारी। तुही परा नाटुआ किशोर नटवर गिरी धारी, मतलब तुम ही सभी नाट के गोवर्धन हो, जो कुछ होता है संसार में तुम उसी के कारण हो, तुम्हारे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और मैं तो तुम्हारा के काठपुतली हूं, जैसे तुम नचाते हो ऐसे मैं नाचती हूं। और भगवान ये ऐसी बातें सुन सुन करके भगवान चल पड़े सात पग आगे। सभी राजाओं ने बड़े आश्चर्य हुए, तो भगवान तो चलने लगे, अब क्या किया जाए? पर कोई भी राजा भगवान को पीछे सात पग नहीं लेके आ पाया। एक ब्राह्मण बैठे हुए थे सभा में जिनका नाम था कौस्तुभ। तो राजा ने कौस्तुभ को बुलाया, बोले आप भी थोड़ा देखो। तो कौस्तुभ ने पुकारा,
भगवान को। ब्राह्मण थे विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विस्तर श्रव दामोदर हृषिकेश केशव माधव स्वभ दैतारी पुंडरी काक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगीन विश्वक सेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरी पुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंसरात्रीर अधोक्षज। भगवान पीछे सात पग आ गए, जहां थे वहां खड़े हो गए। तो सभी ने बोला वर्णमाला डालो। वैजयंती वर्णमाला लेके जब पहुंची तब कौस्तुभ बोलते हैं, देवी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी 3 दिन की व्रत मेरा बाकी है ठाकुर जी के लिए, 3 दिन के पश्चात मैं तुम्हें विवाह कर सकता हूं। तो ऐसी साधना में बैठी भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले भक्त क्या चाहते हो? बोले ठाकुर जी ये दोनों पैर जब तक है ना ध्यान नहीं लगता, जब भूख लगता है मैं दौड़ जाता हूं खाने के लिए, ये सुदर्शन चक्र से मेरे दोनों पैर को काट दो। भगवान बोले तुम क्या बोलते हो, मैं भक्त की पैर काटूं? भक्त की पैर कट जाए तो मुझे पूजा कौन करेगा, मैं तो भक्त की सुरक्षा करता हूं। बोले आपने बोला क्या वर मांगो, मैं वर मांगा, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो गोलोक में जाओ। फिर वो कृष्ण नाम को जपने लगा। भगवान सुदर्शन चक्र से उसके दोनों पैर को काट दिए। फिर पुकारा, भगवान फिर प्रकट हुए। बोले भक्त क्या चाहते हो? बोले क्षुधा लगता है तो मन आप में नहीं लगता, पेट को ही काट दो। सुदर्शन चक्र से उन्होंने छेद कर दिया, बाकी रहा गर्दन। लास्ट में उन्होंने कहा मेरे गर्दन ही काट दो। फिर भी मुखारविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते रहा। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या? और माला धर करके 3 दिन से खड़ी थी वैजयंती, वैजयंती माला को फेंक दिया। भगवान को धिक्कारने लगा, तुम्हें कौन पूजा करेगा, तुम मेरे होने वाले पति को ही काट डाला। भगवान बोले देवी ऐसी बात नहीं है, 3 दिन के बाद इसकी मृत्यु थी। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की थोड़ी सी भक्ति ही बड़े से बड़े खतरनाक स्थिति से भक्तों को बचाने में समर्थ है, तो उसकी मृत्यु टल गई, इसीलिए 3 दिन भक्त मांगा था। देखो एक काम करो, बार बार मुझे पुकारता है, मैं बार बार आता हूं, और तुम बचपन से मेरे मेरे साथ खेलती रही हो, मुझे पुकारती रही हो, मैं तुझे एक माला बना देता हूं और मणि के रूप में इसको पदक बना देता हूं, जैसे हम प्रभुपाद की माला के नीचे भी एक फूल है ना, ऐसे ही कौस्तुभ मणि बना और वैजयंती माला बना और भगवान उसको धारण कर लिए। ऐसे ही भक्त है जो भगवान की नित्य लीला का दर्शन गले में पड़ के दोनों दर्शन करते हैं। तो श्रीवास पंडित जैसे भक्त चैतन्य महाप्रभु, तो सच सब वैष्णव श्री शुक्लांबर के घर एकत्रित हुए। समय पाकर श्री गौरांग पधारे, परंतु उसकी प्रेमावस्था देखकर सब वैष्णव ने पुलक खेद कंपादि विकार होने लगे। हरि हरि बोलकर सब नाच उठे। श्री गदाधर पंडित बेहोश हो गए। श्रीवास जी की मनोभिलास आज फलित हो उठी थी। अतीव आनंदित हुए। उस दिन से श्री गौर हरि इसने कृष्ण प्रेमाविष्ट रहने लगे कि लोग उनमें वायु रोग का संदेह करने लगे। देखो भक्त, और तो समय नहीं, समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो जब हम भगवान के कथा कीर्तन में लगते हैं ना, जब भक्ति थोड़ा सा परिपक्व होने लगता है तो उससे कुछ विकार भी दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार आपने कथा सुना जी बेहोश हो गए कीर्तन करते करते, तो ऐसे ही उसको भक्ति के अष्ट विकार कहा जाता है। एक विकार है रोमांच होना, भगवान के नाम लेते लेते शरीर में कंपन जात हो जाता है और जो लोम राशि है वो सिहरण उठकर खड़े हो जाते हैं।
रोमांचित होना और पागल जैसे हंसते रहना, उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला करके कीर्तन करना और बेहोश हो जाना, कंठ अवरोध हो जाना, बोलते बोलते बोल नहीं पाना, आंखों में आंसू बह जाना, ये सब भक्ति के लक्षण है। और उसी लक्षण के समावेश में ये बेहोश हो गए। तो भक्ति ऐसे करो, जब गोविंद भी देखे जे मेरा भक्त आज कहां गया, भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है और भक्त ही वो कर सकता है। बोलो श्रीनिवास पंडित जी की जय, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। श्री आप सभी की जय हो, जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।